बाबा जी नमस्ते। मैं बिहार पटना से आई हूँ। मेरा नाम स्वर्णलता है। मैं मेरे बैग में ये आ गया था, गैप आ गया था, जिसको मैंने प्राणायाम करके ठीक किया। और मेरे टहने में भी काफ़ी दर्द रहता था, जिसको भी मैंने सिर्फ प्राणायाम से ठीक की। मेरे ब्रेन में स्पॉट थे, मैंने उसे भी प्राणायाम के जरिए ही ठीक किया। और आज मैं ठीक हूँ। बस आपका आशीर्वाद मुझे बना रहे। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम अक्षय तेजरिया है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन के समय पर मेरे लीवर में स्वेलिंग आ गई थी, जो कि मैंने इंडिया टीवी और आस्था टीवी देख करके एवं लीवर मृत और लीवो ग्रेट टैबलेट खा करके सर्वकल्प एवं कोटला क्वाथ सी मैंने ठीक कर ली है और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। स्वामी जी को प्रणाम। मैं 32 साल की उम्र से अर्थराइटिस से बहुत परेशान थी। मैंने योग प्राणायाम घर पे ही किया और बहुत कुछ मुझे आराम मिला घर पे ही। और मैंने अपने वेट भी कम कर लिया है। और मैं यहाँ पे अभी वेरिकोस वेन के लिए विशेष आई हूँ। और घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे योगशाला में 2-3 दिन से आई हूँ। मुझे बहुत कुछ रिलीफ लगने लगा है और मैंने आज सिंगी भी लगवाई है और भी लगवाना है मुझे। ओम स्वामी जी। मैं टूंडला का निवासी हूँ। मोहन बिहारी सक्सेना मेरा नाम है और मैं कोषाध्यक्ष भारत स्वाभिमान का हूँ, जिला फिरोजाबाद से। अभी कोरोना काल में मुझे तकलीफ हुई और मुझे 1 महीना भर्ती रहना पड़ा फिरोजाबाद में। वहाँ से एलोपैथी दवाओं से इतना हुआ कि मेरे दोनों घुटने बेकार हो गए और लंग्स में कमी आ गई। लंग्स 78% मेरे बेकार हो गए। अब मैंने प्राणायाम शुरू किया, विशेष लाभ नहीं हो पाया। घुटनों को खोलकर बैठता था, फिर भी मुड़ नहीं पाते थे। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे विशेष लाभ हुआ है। अब मैं आज योगिंग भी कर पाया हूँ और लंग्स भी मेरे ठीक हैं। ओम मंत्र का जो हम उच्चारण करते थे तो उसमें खांसी आती थी, हम परेशान बहुत हो जाते थे। आज हम ओम शब्द का उच्चारण पूरी तरह कर पा रहे हैं। जय स्वामी जी। मैं आपकी पतंजलि स्वर्ग नगरी में पहली बार आया हूँ। मैं धन्य हो गया। मुझे कोरोना हो गया था, मैं 13 दिन सीरियस भर्ती था, लेकिन एलोपैथी की मैंने कोई गोली दवाखाने में नहीं खाई। आपका कोरोना किट लिया और सरसरी गोल्ड और गुड़वल घनवट्टी, तुलसी घनवट्टी और अनु तेल की वजह से मैं ठीक हो गया। मैं आपको बहुत आभारी हूँ बाबा, आप धन्य हो गए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन। मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी। 15-20 सालों से डॉक्टर ने कह रखा था कि घुटने बदलने हैं। मेरे बड़े भैया जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि मत बदलना, तुम एक बार बाबा रामदेव के आश्रम जाके आओ, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। मैं उसी विश्वास से यहाँ आया। आज मुझे 7 दिन हो गए। मैंने सिंगी का काम करवाया, 7 सिंगी दोनों पैरों में लगवाई और आज मैं अच्छी तरह से उठ बैठ सकता हूँ। किसी तरह की मुझे कोई तकलीफ नहीं। दूसरी एक मेरी प्रॉब्लम थी वेरिकोज वेन की, उसके भी लिए बाबा जी ने अच्छा इलाज बताया है और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी उससे भी अच्छा हो जाऊंगा। मेरा सबसे यही कहना है कि एक बार कोई भी तरह की बीमारी हो यहाँ जरूर आएं या फोन पर बाबा जी के आश्रम से राय ले लेंगे, आपको 100% आराम पड़ेगा। ओम। मैं जगदीश राजस्थान जयपुर से आया हूँ। मुझे अस्थमा और डिप्रेशन था, जो मैंने 96 में मुझे अस्थमा हुआ था और 2006 में डिप्रेशन हुआ था। उसका मैंने घर पे ही बैठ के टीवी देख के 5 बजे और प्राणायाम और आसन किए, उसमें बिल्कुल फिट हो गया। अब मुझे पूरी नींद आती है, पूरी रात एक नींद आती है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस हो गया था, वो मैंने पतंजलि के स्टोर से दवाइयाँ ली और वो आज मैं क्योर हो गया। हेपेटाइटिस बी मेरा नेगेटिव आ गया है अभी। फिर चर्म रोग हो गया था, वो मैंने पतंजलि के स्टोर से दवाइयाँ ली। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई SMS हॉस्पिटल जयपुर से, अग्रवाल साहब वहाँ के हेड थे, उनसे दवाइयाँ खाई, लेकिन 2 साल में मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पतंजलि के स्टोर पे 3 महीने में मैं बिल्कुल क्योर हो गया, आज मैं बिल्कुल सही हूँ। इसके अलावा पाइल्स और प्लेटलेट्स मेरी 80,000 से 1,10,000 के बीच में रहती थी, जो अभी परसों मैंने टेस्ट कराया जो 2.5 लाख है। इसके लिए मैंने पतंजलि स्टोर जयपुर से दवाइयाँ ली और आज मैं स्वस्थ हूँ। ओम।
मैं अपर्णा नाइक दोहा कतार से। मुझे बहुत सालों से बहुत हाई बीपी रहता था, गोली लेके भी मेरा बीपी 150-90 के आसपास रहता था। फिर मैंने आसन शुरू किए, योगासन और प्राणायाम। प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ हुआ और मैंने दिव्या मुक्तावटी भी ली और 3-4 महीने में ही मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। अभी मैं दिव्या मुक्तावटी और एलोपैथी कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ बीपी के लिए, मुझे बहुत आराम मिला उससे। प्रणाम, मैं प्रसाद नाइक दोहा कतार से हूँ। मैंने IBS क्योर कर ली कुटेश गनवटी गोली से। मैं बहुत परेशानी थी लेकिन अभी पूरे 100% ठीक ठाक हो गया हूँ और बीपी हाई बीपी रहता था। प्राणायाम से और दिव्या मुक्तावटी से मैंने पूरे अभी आज भी मेरा ब्लड प्रेशर 120-70 मैंने देखा, तो आज अभी कुछ गोली नहीं लेता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा अनुभव मिला है।